मैंने अभी देख सकते हो मैंने पूजा पाठ कर ली है और अभी मंदिर से लौटा देखते हैं अमरनाथ की तरफ यात्रा करूँगा और मेरे साथ श्याम सुंदर और रामचंद्र दोनों साथ में हैं और अभी बड़े मंदिर में जाएंगे वहाँ तैयारी कर ली है, बैग बिल्कुल तैयार है, आपको दिखाता हूँ मेरा बैग, ये देखो ये तैयार है बिल्कुल बैग मेरा, चार्ज वगैरह सब मैंने ले लिए सामान, देख सकते हो आप, देखो सामान ले लिया है, चार्ज वगैरह सब कपड़े इसमें हैं गर्म और जो पहने लाइट कपड़े हैं वो लिए मैंने और आगे मिलते हैं मंदिर में, श्री भोलेनाथ के मंदिर में। जय जय हो। चलो दो किलो उठ जी बाढ़ में बाबे चले पार्टी आगे मंदिर में चलते हैं वहाँ मंदिर देखते हैं शिव जी का मंदिर हिंदी अपनी भाषा में चलना मेरा काम चलना है।
दानी भाई है हमारी, है दानी भाई के बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर वेट हो रहा है कसमपुर बस जाने वाली, बता थोड़े बताएं। पानी भूखे को वांदे प्यासे को पानी जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, बस का इंतजार कर रहे हैं, कैसी दूर से जाएंगे हम। जय बाबा, जय भोलेनाथ। जय बोलेगी। और हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पर पहुंचे भाई बोल। यहाँ पर हिसाब लगा रहे हैं पीछे बैठे। हम गैसीपुर पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन आएगी, फिर हम यात्रा करेंगे और आपको लोग बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ क्या सिस्टम है। जय बाबा गोपाल। अभी हम पदमपुर से कसमपुर आए हैं। टिकट कितनी थी? तीन बंदों की 75 रुपये। और शाम को 7 बजे चलती है और यहाँ पर 7:25 में पहुँच जाती है। और आगे का रूट बताएंगे। और एक रेलगाड़ी है जो हमारे यहाँ पे आने वाली है 8:30 के करीबन बता रहे हैं, अभी वेटिंग कर रहे हैं। तो आगे की यात्रा आपको बताएंगे। जय भोले, जय भोले। रामचंद्र जी आनंद लेते हुए, जय भोलेनाथ की। और शाम सुंदर जी बात करें अपने परिवार से। जय शंकर महाराज की। हाँ बताए रामचंद्र जी, कहाँ पर जा रही है ट्रेन? ये गैसिंगपुर से जा रही है सूरतगढ़ के लिए। 8:36 पे स्टार्ट हुई है ट्रेन, देखते हैं आगे का कितने बजे पहुँचती है। जय बाबा गोपाल, जय भोलेनाथ। सूरतगढ़ पहुँच चुके हैं हम 10:30, आप देख सकते हो। और जय भोलेनाथ की। और सूरतगढ़ में अब कुछ समय यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर ट्रेन आएगी सुबह 3:55 पर, और यहीं पर खाना नाश्ता करेंगे हम। जय भोले। यह सूरतगढ़ का स्टेशन है, 1, 2, 3 ट्रेनें खड़ी हैं। कितनी सफाई है आप देख सकते हो, कितनी सुविधा दे रखी है रेलवे विभाग ने। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है देख सकते हो। जय भोले। भोलेनाथ की। अभी कुछ ही मिनटों में ट्रेन आने वाली है जम्मू तवी, उसका वेट कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे जम्मू तवी आते हुए अभी कुछ ही क्षणों में। जय भोलेनाथ की। महाराज की। हम बठिंडा पार कर चुके हैं, काफी लंबा स्टॉप लगा था बठिंडा का, अब देखते हैं आगे का सफर। जय बाबा गोपाल। जय बाबा गोपाल। और ना गया।
अब हम पहुँचने वाले हैं। टाइम 10 बजे होने वाला है। ये देख सकते हो अपने फिरोजपुर में छावनी फिरोजपुर है, सामने लिखा है। ये जिंदगी 4 दिनों की है, किसी को नुकसान देके क्या मिलेगा, ना आपको रहना है इधर ना हमें रहना है इधर, किसी को तकलीफ देके क्या मिलेगा। ये सामने देख रहे हो, अब ये लुधियाना से हम गुजर रहे हैं, टाइम हो चुका है 1:05, टाइम हो चुका है। भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं और आगे के दर्शन कराते हैं। इतनी बड़ी नाली है, देख रहे हो आप, ट्रैफिक बहुत तेज वर्षा हुई उसके कारण यहाँ पर नाली में काफ़ी पानी है। देख सकते हो कितना बहाव है, पठानकोट पहुँच चुके हैं। पठानकोट देख रहे हैं, देखो कॉफी में पठानकोट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कॉफी पी रहे हैं, कॉफी का आनंद ले रहे हैं। हर हर महादेव, जय बोल, जय बोल। देख सकते हैं पहाड़ दिखाता हूँ आपको मैं, वो देखो सामने पहाड़, पठानकोट क्रॉस कर चुके हैं।